विकास की लहर हर गांव हर शहर के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए प्रदेश भर में भाजपा द्वारा विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर की विधानसभा 2 में भी विकास यात्रा का कारवा जोरों शोरों से चल रहा है। विकास यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में वार्ड 33 कबीर खेड़ी राम मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला ने क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं दादा दयालु का क्षेत्रवासियों ने बुलडोजर से फूल बरसा कर भव्य स्वागत किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा 2 में निकली विकास यात्रा, विधायक रमेश मेंदोला ने लगाई सौगातों की झड़ी, बुलडोजर से फूल बरसा कर लोगों ने किया स्वागत। विधायक रमेश मेंदोला की विकास यात्रा जैसे ही बाइट 33 में पहुंची, वैसे ही बाइट के लोगों ने अपने नेता दादा दयालु का पुष्प वर्षा एवं ढोल नगाड़े बजाकर एवं आतिशबाजी कर अपने नेता का भव्य स्वागत किया। इस दौरान दादा दयालु ने भी क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। विधायक मेंदोला ने लाहिया कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया तो वहीं देवी स्वरूपा कन्याओं का पाद पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किए। यात्रा के दौरान विधायक मेंदोला ने स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों से भी मुलाकात की एवं क्षेत्र की जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतलाकर हित लाभ वितरित किया। हम कहाँ जाएंगे फिर? क्यों आप कहाँ जाएंगे? अभी मनोज जी ने सारी बातें आपसे कही थी, आपकी जन समस्याएं जो भी नल पानी बिजली है ना सड़क से लेके आपके कॉलोनी के बारे में सब बारे में चर्चा की। करी सारे काम ये काम है, कभी सड़क थी क्या, यहाँ पैदल चलना मुश्किल था मालूम, आज सब पक्की सड़कें हैं, डेड लाइन है, पानी की नर्मदा की लाइन डली हुई है, पानी का प्रेशर कम था वो उसने बढ़वा दिया, मनोज जी बढ़वा दिया ना, बढ़ गया तो पानी भी अच्छा आ रहा है। ड्रेनेज लाइन के पाइप अपन जितने हैं ना जो नियम से बनते होते ही अब बड़े 2 मीटर के लगा देंगे तो क्या होगा उससे, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई चोक नहीं होगी, आपको ड्रेनेज लाइन चोक नहीं होगी, आपका पानी रहेगा। जब पानी भरा जाता है कभी निचली बस्ती पानी भरा जाता है तकलीफ आती है, बाकी तो कभी तकलीफ नहीं आती। तो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है, बाकी जो बची हुई समस्याओं को भी हम करेंगे, जो बाकी आपकी जो अवैध कानून है उसको वैध करने का है ना, वो जो लाहिया कानून है, लाहिया जी ने जो काट दिए सब काट दिए, सबको मकान मालिक बना दिया और वो जो उसमें जो समस्या आ रही है सभी कालवालियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। कर देखा जाए तो अपने नेता को अपने क्षेत्र में देख बाइट 33 की जनता इतनी गदगद हो रही थी कि लोगों ने दादा दयालु के स्वागत में जेसीबी बुलवाई और फूलों की बरसात जेसीबी मशीन से करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।